ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे शुरू हो गया है। ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे शुरू कर दिया है। टीम के 51 सदस्यों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। वहीं सर्वे के चलते परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें 2 आईपीएस, 4 एडिशनल एसपी, 6 डिप्टी एसपी और 10 पुलिस इंस्पेक्टर्स के अलावा करीब 200 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी थी। इसको लेकर के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पर जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसका सर्वे फिर से शुरू हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे कर रहा है। वजू खाने को छोड़ के बाकी तमाम परिसर का जो है सर्वे किया जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे किया जाएगा। इसे लेकर इलाहाबाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और परिसर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। पुलिस कमिश्नर और डीएम भी इसमें शामिल है। एएसआई की 51 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष के 8 लोग मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया था। चारों पुलिस कमिश्नर और डीएम भी सर्वे में शामिल हैं। एएसआई की 51 सदस्यीय टीम का सर्वे लगातार जारी है। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष के 8 लोग मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया था। चारों वादी महिलाएं और वकील भी मौजूद हैं। आपको बता दें तमाम लोगों के साथ में एएसआई की 51 सदस्यीय टीम वहां मौजूद है। हिंदू पक्ष के 8 लोग मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का विरोध कर रही थी, जिसके तहत याचिका लगाई गई थी इलाहाबाद कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष के 8 लोग मौजूद हैं और इसका सर्वे जो है शुरू हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगा। वजू खाने को छोड़कर बाकी तमाम परिसर का सर्वे किया जाएगा और इसके लिए 51 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच गई और सर्वे शुरू कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया था, याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया था। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद में हाई अलर्ट जारी किया गया और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई सांप्रदायिक घटना ना हो। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, क्या है वहां पर हालात, किस तरह सर्वे चल रहा है, क्या सब पूरी स्थिति नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से सर्वे और यहाँ पर जारी है। राजीव, कितने लोग मौजूद हैं वहां पर दोनों पक्षों की तरफ से? आपको बता दें कि ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो शुरू हो गया है। एएसआई इसका सर्वे शुरू कर चुकी है। सुबह 7 बजे दोबारा इसका सर्वे शुरू किया गया है और यहाँ के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इसे लेकर के ज्ञानवापी का जो सर्वे है जो कई राज खोलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सर्वे दोबारा शुरू हो गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वजू खाने को छोड़ करके बाकी पूरे परिसर का वैज्ञानिक रूप से सर्वे किया जाएगा। कई राज खुल के सामने आएंगे और जिस प्रकार की, और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राजीव, कितने लोग मौजूद हैं वहां पर, किस तरह से सर्वे जो है आगे चल रहा है? यहाँ पे जो है भारी संख्या में पुलिस बल, यूपी पुलिस बल के जो जवान है, अधिकारी है, तैनात है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले और सर्वे चल रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो मुस्लिम पक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि सर्वे जो किया जाएगा उस दौरान अगर खुदाई होती है तो जो कंस्ट्रक्शन है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो पूरी तरह से देखा जाए तो हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है सर्वे किया जा रहा है। क्योंकि जो दीवारों पर जो कमल के फूल बने हैं और तमाम हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो चित्र बने हुए हैं उसको भी एक पैमाने की तरफ मापा जा रहा है। और दूसरा पहलू यह है कि इस मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने
आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया है, उस पर सुनवाई भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल जो याचिका खारिज कर दिया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उसको लेकर के एक याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उस पर सुनवाई होगी। उस पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अगर बात किया जाए ज्ञान वापी में सर्वे की जो कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, सर्वे को लेकर के तमाम पुरातत्व विभाग के यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही जो चार जो वह महिलाएं हैं जिन्होंने याचिका दिया था और वहाँ पे श्रृंगार गौरी में पूजा की उन्होंने मांग की थी, और जिला कोर्ट में उन्होंने जो वहाँ पे सर्वे की मांग की थी, वह भी यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं। क्या कोई मौजूद है वहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को भी इससे एतराज था, तो क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं? देखिए अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है। तमाम मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता यहाँ पे मौजूद नहीं है जो लीड कर रहा था कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अभी उन लोगों को उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रोक लगाने की जो याचिका दी है, तो याचिका के दौरान मुस्लिम पक्ष को एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि सर्वे पे रोक लगा दे। फिलहाल यहाँ पे सर्वे चल रहा है और मुस्लिम पक्ष को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आज सुनवाई करता है तो उसमें क्या कोई डिसीजन लेता है। जी राजीव, चूंकि सर्वे शुरू हो चुका है, तकरीबन कितने घंटे तक ये सर्वे चलेगा, कब तक रिपोर्ट तैयार होगी, और जो कई राज खुलने की बात है वो कब तक सामने आने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए पुरातत्व विभाग के यहाँ पे अधिकारी हैं, उनके हिसाब से अगर माना जाए तो सर्वे सिर्फ आज ही नहीं कई दिनों तक चल सकता है, क्योंकि साक्ष्य इकट्ठा करना है। लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, भले ही मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है कि कई हजार 500 साल पुराना है या कितना पुराना मस्जिद है, लेकिन जो हिंदू पक्ष का है यह कहना है कि मंदिर को तोड़ करके और यहाँ मस्जिद बनाया गया है, या जो परिसर था पहले श्रृंगार गौरी का यहाँ पे पूजा होता था, और यही याचिका लेके महिलाएं जो है कोर्ट में गई थी। तो सर्वे कई दिनों तक चल सकता है लगातार, क्योंकि राजीव और देखने वाली बात ये होगी कि चूंकि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्या सर्वे सुचारू चलता है या इस पे फिर से रोक लगा दी जाती है। आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिए।